हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हमारे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन चल रहे हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को ऑपोजिट क्यों कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का? राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शन, और इन रिएक्शन के लिए इक्वेशन लिखिए। तो ये आप सबको पता है कि हम लोग क्यों इनको कहते हैं उल्टा डीकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन का, बिकॉज क्योंकि इन डीकम्पोजिशन रिएक्शन वन रिएक्टेंट इज रिएक्टेंट ब्रेक्स अप इन टू और मोर प्रोडक्ट्स which is opposite to combination reaction here two or more reactants combine सिंगल प्रोडक्ट। तो क्योंकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट ब्रेक होता है और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, जो बिल्कुल उल्टा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, जहां पे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं। इसीलिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट कहा जाता है। अगर हम लोग इनकी रिएक्शन की बात करें, जैसे इक्वेशन की बात की है इन्होंने, तो अगर मैं यहां पर कॉम्बिनेशन के लिए बात करूं, कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितने भी हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा, और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे लेट मी से एक्स। और डीकम्पोजिशन में क्या होगा, आपके पास कोई रिएक्टेंट होगा, सपोज कर लो एक्स, वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, तो उसे वी कॉल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आपके इसकी एग्जांपल देनी है तो आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप ये दे सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस हीट एनर्जी भी रिलीज होती है, लेकिन जो हीट है वो प्रोडक्ट में काउंट नहीं होगा। डीकम्पोजिशन के लिए आप कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जाम्पल दे सकते हो, हीट हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे तो ये स्प्लिट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का बिल्कुल उल्टा हो गया, और यही आपसे क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा था। डीकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटता है, और कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डीकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। हम लोगों ने डीकम्पोजिशन रिएक्शन की इक्वेशन लिखनी है जहां पर एनर्जी आप सप्लाई करोगे हीट, लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। तो सबसे पहले तो हम लोग हीट के लिए बात कर लेते हैं, और आपको याद होगा अगर हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन को थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे।
कैल्शियम कार्बोनेट जो हमने पीछे भी लिखी, हीट सप्लाई करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ये स्प्लिट हो जाएगा। अगर हम लोग लाइट की बात करें तो इसे हम लोग फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो, सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सिल्वर और क्लोरीन में ये स्प्लिट हो गया। बैलेंस करने के लिए हम लोग टू एज ए कोफिशिएंट यूज कर लेंगे। थर्ड वन इज इलेक्ट्रिसिटी और इसे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर, और बैलेंस करने के लिए टू एज अ कोफिशिएंट यूज करेंगे। तो ये तीनों एग्जांपल जो है वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन की है। यहाँ पे आप एनर्जी हीट से दे रहे हो, यहाँ पर लाइट की फॉर्म में, और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाए। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस बताना है। व्हाट इज लिखा है तो यानी कि सिर्फ एक डिफरेंस ही बताना है, लेकिन हम लोग फिर भी अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे तीन डिफरेंस लिखेंगे और हमें इक्वेशन भी इसकी लिखनी है। तो फर्स्ट इज यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और दूसरे कॉलम में हम लोग लिखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट डिस्प्लेसमेंट का क्या है, इसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिमूव्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिमूव कर देगा उसके सॉल्यूशन से, इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। आपको पता ही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे किसी सॉल्यूशन से एक एलिमेंट को रिमूव कर सकता है अगर वो एलिमेंट लेस रिएक्टिव हो। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या था, आइंस या फिर एटम्स आर एक्सचेंज्ड बिटवीन रिएक्टेंट्स। यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट्स कंपाउंड या सॉल्यूशन फॉर्म में होते थे और उनके जो आइंस या एटम्स होते थे वो अदल बदल हो जाते थे, एक्सचेंज हो जाते थे, तो ऐसी रिएक्शन को वी कॉल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड पॉइंट हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रेसिपिटेट डज नॉट फॉर्म। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट नहीं बनता, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रेसिपिटेट में फॉर्म प्रेसिपिटेट बन सकता है। हमने जितनी भी अपने फर्स्ट चैप्टर में रिएक्शन देखी है उनमें ऑलमोस्ट सभी में ही प्रेसिपिटेट बना है, पर यह भी जरूरी नहीं है कि प्रेसिपिटेट बने ही बने। कुछ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें प्रेसिपिटेट नहीं भी बनता, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं मे फॉर्म, हो सकता है।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्लोअर होती है और डबल डिस्प्लेसमेंट फास्ट रिएक्शन होती है। इक्वेशन लिखनी है तो आप एक एग्जांपल दिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट की। हमें पता है जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट से जब रिएक्ट करेगा तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, जो कलर है सॉल्यूशन का वो फेड हो जाता है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन को जब बेरियम क्लोरेट सॉल्यूशन के साथ मिक्स करेंगे तो बेरियम सल्फेट वाइट कलर का पीपीटी और NaCl सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मिलता है, बैलेंस कर दिया। तो इस तरीके से ये आपके पास डिफरेंस हो गए और साथ में इक्वेशन भी हमने लिख दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर की रिफाइनिंग या प्योरिफिकेशन करते हुए रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सिल्वर की रिकवरी कहाँ से की गई है? सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से की गई है। इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज किया गया और कॉपर मेटल ने डिस्प्लेसमेंट किया है, तो रिएक्शन इन्वॉल्व बताइए। ओके, तो कॉपर मेटल मतलब Cu, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। तो कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है तो वो उसे हटा देगा और कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन बन जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा। नाइट्रोजन की दो नंबर ऑफ एटम्स हैं तो टू आगे पुट कर देंगे, सिल्वर को बैलेंस कर देंगे। ऑक्सीजन 6 है, 3 × 2 6 हो गया। तो ये आपके पास कौन सी रिएक्शन हो गई है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया है। एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से रिमूव कर दिया है और इस तरीके से सिल्वर आपको मिल गया है और वही आपको चाहिए था। 15th क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से आपका क्या मतलब है? एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स। एग्जांपल्स यानी कि दो या दो से ज्यादा एग्जांपल देनी है। तो व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? तो पहले तो हमें लिखनी है डेफिनेशन। तो लिखते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन इन विच एन इन सोल्यूबल सब्सटेंस इन सोल्यूबल इन वॉटर। अ केमिकल रिएक्शन इन विच एन इन ऑन सोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्स इज known as precipitation reaction in soluble substance known as precipitate। तो केमिकल रिएक्शन जिसमें इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है और वो सब्सटेंस पानी में नहीं घुलता उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, और जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है उसे प्रेसिपिटेट का नाम दिया जाता है। तो जो चीज पानी में नहीं घुल रही, अगर कुछ ऐसा मटेरियल आपको मिलता है तो उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम लोग बोलेंगे, और वो जो चीज बनी है उसे वी कॉल प्रेसिपिटेट। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल तो अभी जो अपन लिख के आए थे पिछले क्वेश्चन में भी, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड एरो टू गिव बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट है वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट या पीपीटी होता है।
एक और एग्जांपल दे सकते हैं, हमारे पास लेड नाइट्रेट था एक्टिविटी में, जिसे पोटाशियम आयोडाइड से रिएक्ट करवाया गया, तो लेड आयोडाइड और पोटाशियम नाइट्रेट हमारे पास बनता था बैलेंस करने के लिए, टू पुट कर देंगे और ये बनते थे आपके येलो कलर के पीपीटी। तो ये आपके पास दो एग्जाम्पल्स हो गई, आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो लेकिन प्रॉपर होनी चाहिए, कलर जरूर लिखिए पीपीटी का अगर गिवन है, नहीं गिवन तो फिर काइंडली ऐसी रिएक्शन ही लिखे जिसमें पीपीटी का कलर पता हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन 11 to 15 आपके डन हुए, आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।